हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों से कि हम लोग का यहाँ पासीघाट में बहुत सारा लूटपाट करने वाला लोग आ गया है। लूटपाट करने वाला लोग बहुत सारा बढ़ गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग उन लोगों से बच के रहना, और उन लोगों से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, शाम को अननेसेसरी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो लोग शाम का समय में ज़्यादा होता है। दिन में भी होता है, लेकिन दिन में आपका मीन्स कहीं जगह में भी करने से आप तरह सेफ्टी होता है, आपको लोग देखेंगे। रात को करने से आपको कोई नहीं होगा तो आप तकलीफ में होगा। तो वो लोग रात का समय में ही ज़्यादा निकलते हैं, और वो लोग अपने साथ ये दाऊ चाकू वगैरह डाल के आदमी को डराते हैं और लूटता है, ये पून वगैरह पर्स वो लोग को छीन के वो लोग क्या करते हैं। वो लोग ऐसे है कि कभी दिन वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो लोग आपका मर्दार भी कर सकते हैं, आपको खत्म भी कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग उन लोगों से बच के रहिए। आप लोग को अवेयर होना है, आप लोग को सतर्क रहना है। वो लोग का बिहेवियर्स, वो लोग का बोलने का तरीका, वो लोग का ये चलने का तरीका, आपको रुकाने के लिए आने से आप देख सकेगा उसका चलने का तरीका कैसे होगा। वो ड्रग्स करके अपोंग वगैरह ड्रंक करके वो लोग जाने से आप लोग को पहचान में आएगा वो ऐसे वाला आदमी होता होगा बोल के। तो आप लोग प्लीज गाड़ी को मोड स्टॉप कीजिए, आप कंटिन्यू आप ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि आप रुका देने से वो तो आपको पूरा ऐसे बुबिंग भैया बोल के, भैया प्लीज, दीदी प्लीज बोल के आपको बोलेगा, लेकिन उसका अंदर में वो है पूरा शैतान है, वो आपसे लूटना चाहते हैं। तो मैं आप लोग से दरख्वास्त बार बार कर रही हूँ कि रात का अंधेरा में कोई भी आपको हेल्प के लिए या कुछ मदद करने के लिए रुकाने से प्लीज मत रुका दीजिए। आजकल का समय बहुत ही खराब हो गया। हम लोग का यहाँ ऐसे नहीं था पहले, लेकिन आजकल बहुत सारा सुनने को आ रहा है रास्ता में लूटपाट कर रहा है बोल के। मैं ये वीडियो वो के लिए आप लोग के वो के लिए सेफ्टी के लिए आप लोग को अलर्ट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं बार बार सुन रही हूँ कि ऐसे हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि मेरे वीडियो की तरफ किसी का वो लाइफ सेव हो और किसी को तकलीफ ना हो। उसके लिए मैं अलर्ट आप लोग को अलर्ट करने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका दोस्त लोग में से भी किसी को मालूम नहीं होगा। तो आप लोग शेयर कर देना अपने रिश्तेदारों में भी, ताकि वो लोग अवर्ट हो जाए, वो लोग से अलर्ट हो जाए, सतर्क हो जाए। जो लूटपाट कर रहा है, जो दूसरा को तकलीफ दे रहा है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसे ना करें, क्योंकि आप जिन लोगों को आप लूटपाट कर रहे हैं, वो लोग भी आपका फैमिली हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार हो सकते हैं। आप अनजाने में ऐसे गलती मत कीजिए, क्योंकि रात का अंधेरे में तो किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता है। उस दिन तो दिनदारे मेरे भाई को भी लूटने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें तो बहुत सारा लोग था, तो वो उसको पैसा मांग रहा था बोल के हमको बताया। तो उसमें तो बहुत सारा लोग था, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो उसको कुछ नहीं हुआ बोल के आप लोग का साथ भी कुछ नहीं होगा, ऐसे बात नहीं। आप लोग भी जरूर बच के रहना, और अपने साथ हमेशा रात को निकलने से आप लोग ये दाऊ चाकू वगैरह अपने साथ रखना है, क्योंकि अपने सेफ्टी के लिए रखना बहुत ही जरूरी है। जान बचे तो लाखों पाए दोस्तों, अपने जान बचाना सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करती हूँ, अपने आप को सेफ्टी रखिए, सुखी रखिए, और उन लोगों से बच के रहना। और शाम का समय में, स्पेशली शाम का समय में आप लोग वो लोग गाड़ी को रुकाने से गाड़ी को आप लोग को हाईवे पे रुका सकते हैं, या फिर ऐसे छोटा मोटा सड़क में भी वो लोग निकालते हैं बोल के मैंने सुना है। तो वो आप लोग गाड़ी को रुकाने से भी उसको लोग को मत रुका दीजिए, गाड़ी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो लोग चांस ढूंढता है आप लोग से लूटने का। तो मैं यही बात आप लोगों से शेयर करने के लिए आज ये ब्लॉग बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाए और आप लोग अलर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगी मेरी ये ब्लॉग, मेरी वीडियो को
पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।